हेलो फ्रेंड्स, महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। आज हम उज्जैन के प्राचीन मंदिरों, जिसमें सबसे प्रमुख है यहाँ का महाकाल का मंदिर, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, का दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे राम घाट के लिए, जहाँ पर हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला भरता है, सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है। वैसे उज्जैन को दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिकापुरी हुआ करता था। उस समय में यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य का शासन था और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आज हम इस पवित्र और प्राचीन नगरी को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो की शुरुआत महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से करेंगे, उसके बाद हम यहाँ के प्रमुख मंदिरों और घाट के दर्शन करेंगे। तो ये मंदिर परिसर है, पार्किंग के बाद हम यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हमें सामने की तरफ द्वार से अंदर जाना होता है मंदिर में दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और इस द्वार को शंख द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने अवंतिका द्वार है। ये सिर्फ उज्जैन के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रोज़ाना दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए है। और इस तरफ में ये शीघ्र दर्शन सुविधा का काउंटर है, यहाँ से आपको पर्ची मिलती है वीआईपी दर्शन की, जिसके 250 रुपये का चार्ज लिया जाता है और आपको अवंतिका द्वार से अंदर दर्शन के लिए जाने दिया जाता है। और बाकी यहाँ पर हेल्प डेस्क बना हुआ है, अगर आपको कुछ सहायता चाहिए तो आप यहाँ से पूछताछ वगैरह कर सकते हैं। तो हम लोग शंख द्वार से अंदर जाएंगे, वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पर ये लगेज रखने के लिए काउंटर है, तो लगेज रखते हैं यहाँ पर और फिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये महाकाल कॉरिडोर है, हम मंदिर में दर्शन करने के बाद इसी तरफ जाएंगे। मंदिर में जाने का जो रास्ता है उसी के साथ साथ में महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है। तो ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, हम यहीं से अंदर दर्शन करने गए थे और मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। करीब 20 मिनट का समय लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि आज भीड़ नहीं है इस वजह से। बाकी अंदर बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया। माँ कालेश्वर मंदिर के पीछे की जो कथा है वो इस प्रकार से है। कहते हैं कि प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंतिका नगरी हुआ करता था और उस समय में यहाँ पर काफ़ी सारे ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव की पूजा करते थे, उनकी तपस्या करते थे। तब यहाँ पर एक राक्षस आया जिसका नाम था दूषण। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया था, जिससे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। और उसी शक्ति के घमंड में वो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान करने लगा और उनको सताने लगा। ब्रह्मा जी भी इस सबसे काफ़ी दुखी हुए क्योंकि दूषण को वरदान उन्होंने नहीं दिया था। तो ब्रह्मा जी फिर शिव जी को कहते हैं कि आप कुछ कीजिए। और यहाँ के जो ब्राह्मण थे, जो कि शिव जी के भक्त थे, उन्होंने भी शिव जी से गुहार लगाई कि हमें इस राक्षस के अत्याचार से बचाइए। फिर शिव जी ने उस राक्षस को चेतावनी दी और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन वह राक्षस ताकत के नशे में चूर था, उसे वरदान प्राप्त था तो वह नहीं माना। तो इसी तरह से वो अत्याचार करता रहा और शिव जी यह देखकर काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने धरती फाड़ी और धरती में से महाकाल का अवतार लेकर वो बाहर आए। धरती फाड़कर जब वो बाहर आए तो उन्होंने काफ़ी ज़ोर से गर्जना की और उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि उसी गर्जना से उस दूषण राक्षस का वध हो गया। उस समय में दूषण राक्षस को काल भी कहा जाता था क्योंकि वो काफ़ी भयंकर था और काफ़ी शक्तिशाली था, और शिव जी ने उसका वध कर दिया, तो इसलिए शिव जी महाकाल कहलाए। यहाँ का जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी है और दक्षिण की जो दिशा होती है वो यमराज की होती है, तो इसीलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। तो ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने आपको बताई, अभी हम थोड़ा कॉरिडोर विजिट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सामने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से फिर हम घूमते हुए इस तरफ आए हैं और ये काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी सुंदर भी है। महाकाल कॉरिडोर, जिसे महाकाल लोक कहा जाता है, बहुत ही सुंदर है। और ये सप्त ऋषि है, 7 ऋषि है और बीच में ये स्तंभ बना हुआ है।
तो यहाँ पर आकर बैठा हूँ थोड़े समय के लिए। आधे घंटे से हम चल रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। माँ कालेश्वर मंदिर की भस्म आरती सबसे प्रसिद्ध है, तो इसका समय सुबह 4 बजे है। 4 से 6 बजे भस्म आरती होती है, और अगर आपको भस्म आरती में शामिल होना है तो आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग कर लीजिए, काफ़ी पहले इसकी बुकिंग हो जाती है। और इसका कोई चार्ज नहीं है, भस्म आरती में आप बिना किसी शुल्क दिए शामिल हो सकते हो, लेकिन बुकिंग आपको काफ़ी पहले करनी होती है। तो इसके लिए माँ कालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाकर ये सब कुछ बुक कर सकते हो। जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पर गर्भगृह दर्शन भी होता है, जो माँ कालेश्वर मंदिर का शिवलिंग है जो गर्भगृह में, वहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलता है। लेकिन श्रावण महीने से फिलहाल वो अभी तक बंद है, अभी तक शुरू नहीं किया है, लेकिन जब वो शुरू होता है तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हो गर्भगृह में जाके। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, और करीब 750 रुपये का इसका कुछ शुल्क लेते हैं। तो माँ कालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप सब जानकारी ले सकते हो, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर ठहरने की भी जो व्यवस्था है, धर्मशाला है, उसकी भी आप बुकिंग कर सकते हो वेबसाइट से। तो इस तरफ आगे बढ़ते हैं, और भी काफ़ी सारे आकर्षण है देखने के लिए यहाँ पर। ये देखो आप कितना सुंदर है, देखने में इतना सुकून मिलता है आँखों को, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है सब कुछ। यहाँ पर ये है नवग्रह मंडल, पीछे सप्तऋषि था इसी तरह यहाँ पर ये नवग्रह मंडल बना हुआ है। देखो आप कितनी सुंदर जगह है, फाउंटेन के बीच में भगवान शिव की प्रतिमा है और चारों तरफ शेर है, अति सुंदर, बहुत बढ़िया बनाया है। तो ये है त्रिवेणी संग्रहालय, सामने है, वहाँ से हमें अंदर जाना है। तो ये त्रिवेणी म्यूजियम है, और गेट के सामने यहाँ पर ये काउंटर है, और यहाँ से हमें टिकट लेना होता है म्यूजियम देखने का, जो कि 20 रुपये का है, और फोटोग्राफी का 100 रुपये का चार्ज है, और वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो मोबाइल कैमरा है उसकी बैटरी करीब 4% रह गई है, क्योंकि मैंने मेरा बैग बाहर ही रख दिया था काउंटर पर, तो उसमें सभी चार्जर वगैरह आए, तो बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए मैं म्यूजियम के अंदर नहीं जा रहा हूँ। म्यूजियम में अगर आप चाहो तो जा सकते हो, इसके अंदर में आपको पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के और उसी तरह की सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर और है, इसका नाम है भारत माता मंदिर। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद भारत माता मंदिर के दर्शन कर सकते हो। मंदिर से मैं बाहर आ गया हूँ दर्शन करके, और भारत माता मंदिर आपको बता ही रहा था कि तब तक मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तो इसीलिए आपको अंदर से नहीं बता पाया। हालांकि मैं अंदर गया था, भारत माता की बड़ी सी मूर्ति है अंदर। तो अभी यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पालकी की तैयारी हो रही है, करीब 4 बजे महाकाल की पालकी निकलती है। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है, तो यहाँ के राजा भ्रमण पर निकलते हैं। तो ये है महर्षि संदीपनी आश्रम। तो ये आश्रम का गेट है, मैंने आपको बताया, वहाँ से हम अंदर आए हैं। और यहाँ पर सामने है श्री कृष्ण सुदामा बलराम का विद्या स्थल, और ये मंदिर है जिसका नाम है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। द्वापर में जब कंस मामा का वध करने के बाद भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ने आए, उनका स्वागत किया था महादेव महाकाल ने, स्वयं इस लिंग से प्रकट होकर खड़े हो गए थे। तो नंदी जी ने तभी प्रण किया कि इस दिव्य स्थान पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ जहाँ पर मेरे स्वामी को स्वयं खड़ा होना पड़ा। ऐसे ही ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर बनता है जहाँ खड़े नंदी हैं, बाकी सभी जगह बैठे हुए होते हैं नंदी। 11 वर्ष 7 दिन की उम्र थी जब यहाँ पढ़ने आए थे भगवान कृष्ण। वो पत्थर है, शिलासन सीट है जहाँ पर बैठ कर स्वाध्याय करते, रिवाइज करते। पीछे गोमती कुंड है, उसके जल से महादेव का पूजन करते, इनका नाम पड़ा कुंडेश्वर महादेव। कुबेर देवता की प्रतिमा है, बैठे हुए कुबेर की प्रतिमा भारत में 3 जगह है, ये उसमें से मध्य के स्थान पर हो आप, जहाँ पर हरिहर मिलन हुआ था। कुबेर यहाँ पर गुरु दक्षिणा देने आए थे कृष्ण भगवान की फीस पर, गुरु जी ने इनको मना करके बिठा दिया था। फिर शंखासुर का वध करके सांदीपनी ऋषि के मरे हुए पुत्र को जीवित करके लाकर दिया था भगवान कृष्ण ने, वो स्थान है। ये सबसे प्राचीन पुराना मंदिर जो मौजूद है आज की तारीख में पूरे आश्रम का, यही है। हम सांदीपनी वंशज पंडित शिवांग व्यास वंश परंपरा से यहाँ सेवा देते आ रहे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। कुंडेश्वर मंदिर के सामने यहाँ पर है श्री कृष्ण पाठशाला, तो अंदर चलते हैं।
कृष्ण भगवान की जो पाठशाला है उसके अंदर में वीडियोग्राफी और फोटो लेना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको अंदर से नहीं बता पाया अच्छे से। और अंदर भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की मूर्ति है जो कि बैठे हुए हैं, और उनके सामने उनके गुरु संदीपनी जी की मूर्ति है जो कि उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो ये दोनों जगह हमने देखी, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पीछे यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव मंदिर है जो कि बताते हैं करीब 6000 साल पुराना है। तो ये सर्वेश्वर महादेव में महादेव का शिवलिंग है और ये पूरा प्राकृतिक शिवलिंग है, जमीन में से निकला ऐसा बताते हैं। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कुदरती नाग देवता है, चट्टान से ही बने हुए हैं। तो शिवलिंग में जो नाग देवता मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर श्वेतांबर रूप में विराजित है। ये है गोमती कुंड, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। अभी हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर पर। संदीपनी आश्रम जो हमने देखा था, वहाँ से करीब 500 मीटर आगे बढ़ते हैं तो ये मंदिर आता है और इसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। आप या जिस जगह आए हो, ये पूरे भारत और विश्व में एक ही मंदिर है। मंगल भगवान का जन्म स्थान जो नौ ग्रह में गिरिराज मंगल कहलाया जाता है। अच्छा। जैसे कि अपन हर जगह जाते हैं शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, शिव जी की सवारी अपन काय पे देखते हैं, नंदी भगवान पे, या नंदी की जगह भेड़ पे सवारी जो राजस्थान में मेंढा पाया जाता है। और यहाँ से 21 कष्टों का निवारण होता है, धन संबंधी, इन संबंधी, पुत्र संबंधी, मकान संबंधी, युवा संबंधी, कैसा भी आपका कार्य रुका हो, मंगल भगवान को यहाँ पे मंगल दान चढ़ाने से सर्व कार्य मंगल होता है। यहाँ पे मंगल भगवान की भात पूजा भी होती, दूध दही से सहकर पचा मत से, जिसमें 1350 रुपये का खर्चा आता है। यदि कोई लड़का लड़की मांगलिक होता है, किसी को ब्याह में बाधा आती है, कोई कार्य बाध आती, कोई व्यापार बाध आती, कोई ऋण यानी कर्जा चढ़ जाता है, कर्जा नहीं उतरता है, कैसा भी कार्य हो यहाँ से सभी कार्यों का कष्ट निवारण होता है। तो ये दशरथ भाई है, इनकी यहाँ पर पूजा की दुकान है, तो इन्होंने हमें मंदिर के बारे में अच्छे से बता दिया, धन्यवाद शुक्रिया। जय हो माँ मंगल की। तो मंदिर में चलते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कर्क रेखा पर स्थित मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल है, जो भाई ने हमें बताया था, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। मंदिर के बाहर यहाँ पर जूता स्टैंड है, जूते यहाँ पर खोलने होते हैं हमें। तो यहाँ पर दो फ्लोर है मंदिर में, यहाँ पर मंगल दोष की पूजा होती है और मंदिर ऊपर की तरफ है। अभी हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं और मंदिर यहाँ पर है। मंगलनाथ मंदिर में हमने दर्शन किए, बाकी इसकी जो कहानी है वो हमने जानी। पीछे यहाँ पर ये सिपरा नदी बहती है और ये मंगल घाट कहलाता है। तो मंगलनाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर में आगे की तरफ आया हूँ और यहाँ पर है उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल भी कहते हैं और ये काफ़ी प्रमुख मंदिर है, माँ कालेश्वर के बाद ये सेकंड नंबर का मंदिर है उज्जैन में प्रमुख। तो पीछे यहाँ पर काल भैरव का मंदिर है, यहाँ पर आप देखो आपको वाइन शॉप दिखेगी और ये पूरा मार्केट है जहाँ से हम मंदिर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर पूजा और प्रसाद की दुकानें हैं। काल भैरव को यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारी शराब की दुकानें हैं। मैंने आपको बताया काल भैरव उज्जैन के कोतवाल है और महाकाल के सेनापति भी कहे जाते हैं काल भैरव, तो इसीलिए काफ़ी प्रमुख मंदिर है ये। काफ़ी घूम के जाना होता है, ये जो आप बैरिकेड देख रहे हो इसकी लाइन है, उस तरफ से आते हैं ऐसे घूम के, इस तरफ से घूमते हुए फिर मंदिर में जाते हैं। तो अभी हम मंदिर के करीब पास में पहुंच गए हैं, सामने काल भैरव मंदिर है, सामने काल भैरव मंदिर है, लेकिन मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मुझे कैमरा यहीं पर बंद करना होगा। काल भैरव मंदिर में दर्शन किए
और काफ़ी चमत्कारी मंदिर है, यहाँ की एनर्जी अलग है। और बाकी मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पर प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है काल भैरव को। तो अभी हम आ गए हैं गढ़ कालिका मंदिर पर। पिछला जो मंदिर था काल भैरव का, वहाँ से ये करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये काली माता का मंदिर है। ये भाई साहब फूल की दुकान वाले हैं, ये हमें कुछ बता रहे थे इस मंदिर के बारे में, बताइए क्या बता रहे हैं। ये महाकाली का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे माता रानी का होड़ गिरा था और कवि कालिदास की आराध्य देवी है ये। धन्यवाद। जय जय माता, जय माता दी। इस मंदिर में मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी लोग अच्छे से फ़ोटो ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। लोग दूर दूर से आते हैं तो कुछ यादें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो मंदिरों में जो ये फ़ोटो प्रतिबंधित होता है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो मंदिर में दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और अभी लाइट लग गई है, देखो आप सारी, जबकि सिर्फ 5:30 बजे अभी। तो अभी हमारे 2 पॉइंट करीब बाकी है, 2 से 3 पॉइंट, तो जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उनको कवर करते हैं। तो गढ़कालिका मंदिर से हम आ गए हैं भरथरी गुफा पर और बिल्कुल पास में है, 300-400 मीटर की दूरी है केवल। तो इन सीढ़ियों से हम नीचे आए हैं, करीब 4 से 5 मिनट लगता है हमें, छोटा ही रास्ता है, ज़्यादा लंबा नहीं है और इस तरफ में गुफा है आगे। तो ये गुफा का प्रवेश द्वार है और प्रवेश करते ही सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो आगे सामने यहाँ पर गुफा है, ये गुफा नंबर 1 है और ये गुफा नंबर 2 है। तो यहाँ पर राजा भर्तृहरि के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो ये है गुफा में जाने का रास्ता और एकदम छोटा सा रास्ता है। तो अगर आपको धुएं की आदत नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी सी घुटन हो सकती है। तो ये योगी साधना स्थल है राजा भर्तृहरि का, यहाँ पर राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी। साधना स्थल के पास में यहाँ पर भी कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है एक पुराना। और ये गुफा है, देखो आप, रियल गुफा ये लगती है, देखो आप अंदर की तरफ। यहाँ से हम गुफा में गए थे और बाहर आ गए हैं और ये सामने महाकाली माता का मंदिर है। महाकाली माता मंदिर के पास में यहाँ पर महायोगी मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर बना हुआ है, कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो ये गोपीचंद गुफा है, गुफा नंबर 2। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, ये मंदिर है और महाराज जी बैठे हैं। तो ये श्री नीलकंठेश्वर महादेव का शिवलिंग है, मंदिर है, बहुत ही छोटे छोटे ये दरवाजे बने हुए हैं। तो 2 नंबर की गुफा से भी हम बाहर आ गए हैं देखकर और यहाँ पर आगे एक मंदिर बना हुआ है, गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर है ये। तो अभी हम आ गए हैं रामघाट पर, हम थोड़ा लेट हो गए 1/2 घंटा, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी रोशनी देखने को मिलती है। अभी अंधेरा हो गया है और सनसेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर आरती हो रही है तो थोड़ा आरती देखते हैं रामघाट की।
तो रामघाट पर आरती में शामिल होने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और ये वही रामघाट है जहाँ पर हर 12 साल में एक बार शिस्त कुंभ मेला भरता है उज्जैन में। तो और ये शिप्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है। बाकी यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं घाट के ऊपर, जो कि हर घाट पर होते हैं। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पास में यहाँ पर एक मंदिर है, हर सिद्धि माता का मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, वहाँ पर जाते हैं और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो हम पहुँच गए हैं हर सिद्धि माता मंदिर पर और रामघाट से बिल्कुल पास में, ये भी रामघाट पर ही है, थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो ये है हर सिद्धि माता का मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर के बाहर यहाँ पर कमल के फूल मिलते हैं माता को चढ़ाने के लिए। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो सामने हर सिद्धि माता का मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु बैठे हैं, देखो आप। और ये दीप मालिका है, यहाँ पर 1108 दीपक जलते हैं आरती के समय में और काफ़ी भव्य नज़ारा होता है। तो ये सारे जो श्रद्धालु है इसी का इंतज़ार कर रहे हैं आरती का। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। शक्तिपीठ है, यह हर सिद्धि देवी माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है माता जी। यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम माता जी की आरती होती है और अभी भी 7 बजे आएगी, बाहर दीपमालिका प्रज्वलित होती है। तो रात के 9 बज गए हैं और मैं इस वक्त इंदौर उज्जैन हाईवे पर हूँ। काफ़ी भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो यहाँ पर एक ढाबा है और यहाँ पर मिलता है दाल बाफला, जो कि राजस्थानी दाल बाटी के जैसा ही होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये यहाँ की स्पेशल डिश है उज्जैन की, काफ़ी फेमस है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दाल बाफला ऑर्डर किया है। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन एक किस्सा और है, कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नेता या कोई भी मंत्री वगैरह रात को स्टे नहीं करता है, क्योंकि महाकाल यहाँ के राजा है। तो एक राजा के रहते हुए दूसरा राजा यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो यहाँ पर कोई भी मंत्री या जो भी बड़े नेता होते हैं वो रात को नहीं रुकते हैं। अगर वो यहाँ पर रात रुकेंगे तो उनकी गद्दी चली जाएगी, ऐसा कहा जाता है। और उज्जैन काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर अगर आप आते हो तो कम से कम 2 दिन लेके आना अगर आपको अच्छे से घूमना है तो। एक दिन में आप अच्छे से नहीं घूम पाओगे। उज्जैन आने के लिए आप डायरेक्ट उज्जैन भी आ सकते हो, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। बाकी अगर आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी चाहिए तो आप इंदौर आ सकते हो। इंदौर से उज्जैन पास में ही पड़ता है, करीब 55 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो इंदौर में एयरपोर्ट भी है और इसके अलावा इंदौर का जो रेलवे स्टेशन है वो सभी तरह से हर जगह से जुड़ा हुआ है। तो इंदौर सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आपके यहाँ से उज्जैन की सीधी कनेक्टिविटी नहीं है तो। तो हमारा दाल बाफला आ गया है। ये बाफला है, बाटी जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि बाटी को सेका जाता है और इसको पानी में उबाल के उसके बाद में इसको घी में फ्राई करके दिया जाता है। और यहाँ पर ये पूरी डिश है जो कि 180 की है। इसमें 2 बाफले हैं, सलाद है और ये दाल है, कड़ी है और ये राइस है और साथ में चूरमा है। ये अनलिमिटेड है, अगर इसके बाद आपको लगेगा तो और देंगे हम। अच्छा, 180 में अनलिमिटेड है, जितना आप खाओगे सुबह तक के खाओ। अच्छा, सबसे पहले बाफला ट्राई करते हैं। ये देखो इस तरह से एकदम गरम गरम है। बाफला एकदम क्रिस्पी है।
तो खाना फिनिश कर लिया और काफ़ी बढ़िया खाना था, मज़ा आ गया मुझे और अभी आ रही है भरपूर नींद। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारा खूब खूब आभार। आप जो